देर रात हो गई। विद्या एक 25 साल की इन्फ्लुएंसर अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक करती है। विद्या अपने स्टेट की सबसे फेमस इन्फ्लुएंसर है और हर महीने हजारों रुपए सिर्फ अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कमाती है। ओ, 10,000 फॉलोअर्स, अब आएगा मजा। अब मैं क्लाइंट से और भी पैसे चार्ज कर सकती हूँ। चलो इसके बारे में एक और पोस्ट तो बनता है। अरे ये क्या, हैलोवीन को तो अभी बहुत वक्त है, अभी से नए इमोजिकॉन्स आ गए, देखें तो। आखिर मैं तुम्हें मिल ही गई। हाँ क्यों, मुझे जानती हो ना? डायन के मोटिकन को बोलता हुआ देख विद्या चीख उठती है और वो मोबाइल फेंक देती है। मगर अरे ऐसे कैसे मुझे फेंक दिया? अभी कुछ हफ्ते पहले तो तुम मुझे ही ढूंढ रही थी। जो नजारा विद्या ने देखा वो उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो एक अजीब से कटघरे और कोर्ट में खड़ी थी। वकील डायन थी और जज एक अजीब सा भूत। हर तरफ अजीब अजीब भूत बैठे थे जैसे वो उसी का इंतजार कर रहे हो। दो पल बाद विद्या को यह एहसास हुआ कि वो यहाँ बुरी तरह फंस गई है। वो कटघरे से बाहर आ गई लेकिन नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर डायन हंसने लगती है। वो कहती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, जज साहब कार्यवाही शुरू की जाए। जरूर जरूर जज साहब, मुलजिमा पर ये आरोप है कि उसने मेरे बारे में झूठी खबर फैलाकर मोटी रकम कमाई है। ये क्या बद्दा मजाक है? कौन है, कौन कर रहा है ये सब? रोहन, रोहन, संजना, कौन है? विद्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो सच में किसी कोर्ट में है, मगर ये पूरी तरह से भूतों का कोर्ट था। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? अगर मैं सचमुच भूतों के बीच हूँ भी तो तुम लोगों ने सिर्फ मुझे ही क्यों पकड़ा? जब से फिल्में बनी हैं, तब से हम भूतों की फिल्में देख ही रहे हैं, उनको क्यों कभी नहीं पकड़ा? एक एक का एड्रेस दूं? विद्या की इस बात पर कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज डायन की तरफ देखता है और दूसरे भूत भी विद्या और डायन की तरफ देखते हैं। ये फिल्म किसी भी सच्चे वाक्य पर बुनियादी नहीं है। इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से हाविदा है। What nonsense? हाँ यही है नॉनसेंस। जब से फिल्में बनी हैं, तब से हॉरर फिल्में बनती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये हाविदा हैं। और तुम, मैं बताती हूँ कि तुम क्या करती हो। हाय, मैं हूँ विद्या। मैं आई हूँ यहाँ मुंबई शहर के गोरेगांव इलाके में, इस बिल्डिंग में, जहाँ कहा जाता है कि नई शादीशुदा लड़की की मौत के बाद उसका भूत यहाँ घूमता रहता है। कहते हैं कि वो भूत आज तक 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। वीडियो देखकर विद्या चौंक जाती है। उसे याद आता है कि ये वीडियो तो उसी ने बनाई थी। अरे ये वीडियो तो हमने ऐसे ही बना दी थी। हमने सुना था कि उधर भूत है और मुझे कुछ ट्रेनिंग चाहिए था। देखिए जज साहब, इसने ये वीडियो ऐसे ही बना दिया और इसकी वजह से मेरी दोस्त डायन
जिसकी बस मंगनी होने ही वाली थी उसकी मंगनी टूट गई। लड़के वालों ने बोला कि सिर्फ सात मौत की जिम्मेदार, ये किस किस्म की डायन है? मोहतरमा विद्या, क्या आप मानती हैं कि ये वीडियो आपने ही बनाई है? जी जी जज साहब, लेकिन हमारा कोई गलत मतलब नहीं था। मतलब गलत हो या सही, एक डायन की मंगनी इस वीडियो की वजह से टूट गई है, इसकी सजा तो आपको मिलेगी। लेकिन जज साहब, इस लड़की की गलती सिर्फ इतनी नहीं है, ये देखिए और एक वीडियो। हाय गाइस, मैं हूँ विद्या और मैं लेकर आई हूँ एक और वीडियो। इसमें हम बात करते हैं मुंबई शहर के आरे इलाके के बारे में। कहते हैं कि यहाँ एक भूत रहता है, यही आसपास के एक स्कूल में। बस जिस दिन ये वीडियो लाइव चला गया, मेरी जिंदगी हराम हो गई, क्योंकि उस स्कूल की डायन मैं ही हूँ जज साहब। क्या आपने ये वीडियो बनाई थी? ठीक है, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। अब मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। मुल्जिम विद्या, मैं आपको मुजरिम करार देता हूँ और मैं देता हूँ आपको सजाए मौत। नहीं, जाने दो मुझे, जाने दो प्लीज। हा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 ह